कांग्रेस ने जनता को न्याय दिलाने के लिए एक और नया आंदोलन शुरू किया है और न्याय दिलाने के लिए जो कांग्रेस की जो सोशल आउटरीच जो टीम है वो उत्तर प्रदेश के जो भी सार्वजनिक स्थल हैं या फिर सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पर ये शिकायत पेटी जो है वो वहाँ पर इंस्टॉल करने इन्होंने शुरू कर दिए हैं और आज सहारनपुर में इसकी शुरुआत जो है कलेक्ट्रेट के अंदर से की जा रही है और तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के वो यहाँ इस वक्त मौजूद हैं और इसको जो नाम दिया गया है वो दिया है कि कांग्रेस दिलाएगी न्याय। नए नए प्रयोग जो है वो कांग्रेस की तरफ से हमेशा होते रहते हैं, एक नया प्रयोग जो है वो सहारनपुर में आज देखने को मिल रहा है और ये जो पेटियां हैं सहारनपुर के जितने भी सरकारी दफ्तर हैं या फिर जो सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ पर कांग्रेस जो है वो इनको लगाने जा रही है। यहाँ पर महानगर अध्यक्ष हैं वरुण शर्मा, पहले इनसे बात कर लेता हूँ। ये जो आपने पेटियाँ रखनी शुरू की हैं यहाँ तो ऑलरेडी डीएम दफ्तर है या कोई भी वहाँ पर तो शिकायत पेटी का पहले से ही होती है, तो ये क्या नई चीज़ शुरू कर रहे हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानित अध्यक्ष पूर्व मंत्री आदरणीय अजय राय जी के नेतृत्व में और आउटरीच जो विभाग है हमारा जिसके हमारे प्रदेश के संयोजक हैं हमारे साथी भाई विक्रम पांडे जी और उनकी टीम आदरणीय जो प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं नमिता जी, हमारे भाई अब्दुल्ला काजी साहब जो यहाँ के प्रभारी हैं, हमारे साथी भाई जिला अध्यक्ष अमनेश कुमार जी, इनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम आज हर उसमें मतलब विधानसभा बार हर जिले में ये इसलिए किया जा रहा है कि अगर शिकायतें, जैसे आपने पूछा कि डीएम ऑफिस पे भी कार्यालय मतलब शिकायत पेटी रखी हुई है, तो आम आदमी की जो शिकायतें उनका निस्तारण क्यों नहीं हो पाता समय पर? बरसात का समय था, पीछे भी आपने देखा यहाँ पे पीछे आपका ब्रजेश नगर से जो मतलब महिलाएं काफ़ी यहाँ पे आई, उसमें पानी घरों में चला गया। अगर काम होता तो कांग्रेस सड़कों पर क्यों होती आम आदमी के लिए? कांग्रेस ने हमेशा आम आदमी की आवाज़ उठाई है और ये शिकायत पेटी जो हम यहाँ पर रख रहे हैं वो इसी वजह से रख रहे हैं कि जो आम जन की समस्याएं हैं वो इसमें आए ताकि उनका हम निस्तारण करा सकें। ठीक है, आउटरीच की नमिता जी यहाँ पर हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी मिली है, तो क्या कुछ उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ इनको आप इंस्टॉल करेंगे और कैसे समस्याओं का समाधान कराएंगे? देखिए, हमने अभी बहुत सी जगह काम हमारा शुरू हो चुका है, चाहे वो हमारा लखनऊ में भी हो चुका है, गोरखपुर में भी स्टॉल का, जो भी जहाँ से भी हमारे प्रत्याशी जीते हैं वहाँ पर तो है ही है, सहारनपुर में हमारा हो रहा है और अगर मंडल में देखें तो बहुत सारी जगह भी हो चुका है, मुरादाबाद में भी हो चुका है, बहुत सारी जगह हो चुका है। मुख्य उद्देश्य यह है कि आउटरीच का मतलब ये होता है कि जहाँ तक कोई ना पहुँच पाए उन तक हम पहुँचें। तो ये जो हमारे न्याय दिलाने वाली समिति का काम है ये हमारा है कि आम जनता जो एक शासन प्रशासन की समस्याओं से हमें निस्तारण उनको नहीं मिल पाता है, वो दिन प्रतिदिन चक्कर काटते हैं, बहुत परेशान होते हैं, तो उनका हमने सोचा कि उनके लिए हम लोग कुछ करें, तो कांग्रेस जो है उनके लिए वो न्याय दिलाएगी, उनकी समस्याओं का निस्तारण करेगी। आप हमारे पास आ सकते हैं, हमारी जो पेटिका आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस पेटिका में अपनी समस्या आप डाल सकते हैं, हमारे पास पहुँच जाएंगी वो और हमारी उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि 15 दिन मैक्सिमम 15 दिन के अंदर हम उनका निस्तारण कर दें। और हमारे पास बहुत सी समस्याओं का भी हुआ भी है, हमारे मुरादाबाद मंडल में भी बहुत सारी समस्याओं का हमने निस्तारण किया है, तो अभी ये प्रोसेस चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि हाँ, इसका एक व्हाट्सएप नंबर भी होगा, हेल्पलाइन नंबर भी होगा, अगर आप किसी तरह से यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं पेटिका तक, तो आप व्हाट्सएप पर भी आप अपनी समस्याओं का समाधान अपनी समस्याओं को भेज सकते हैं और वहाँ से भी हम आपकी समस्याओं को लेंगे और उसको शासन प्रदेश स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारा जिस तरह की समस्याएँ होंगी पहले ही जैसे हमारे जिला से इनके स्तर पर होगी समस्याओं का निस्तारण, अगर कुछ लगता है ऐसी समस्याएं जो यहाँ से नहीं हो पाती है तो फिर वो आगे प्रदेश स्तर तक जाएंगी, लेकिन पूर्ण रूप से ये हम बिल्कुल विश्वास दिलाते हैं कि कांग्रेस पूरा आपको न्याय दिलाएगी। क्या जनता से जुड़ पाएंगे सीधे तौर पर इससे आप? क्या जी सर? अच्छा, जुड़ पाएंगे। अच्छा, चलिए, और लोग भी हैं जो शुरू किया गया है अभियान, ये इसको क्या कैसे देखते हैं आप इसको? हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी ने लगभग 10,000 किलोमीटर की यात्रा की है, भारत के युवाओं को, किसानों को, गरीब मजदूरों को, सभी को न्याय दिलाने की, उसी में ये एक मुहिम है जो आउटरीच कमेटी के माध्यम से हम लोग चला रहे हैं। उसमें यह है कि हमें न्याय दिलाना है, हर हाल में दिलाना है और शासन प्रशासन से जिस तरह से भी हम दिला पाएंगे कोशिश पूरी की जाएगी कि हर वर्ग का जो आखिरी पायदान में बैठा हुआ इंसान है, जनता है, उसको हम न्याय दिलाने का काम। ठीक है, यहाँ पर गणेश दत्त शर्मा जी भी हैं। शर्मा जी, क्या लगता है कि सफल रहेगा अभियान ये? कांग्रेस तो अद्वितीय चीज़ें देने में हमेशा से माहिर है, कांग्रेस की नीतियाँ जनहित की होती हैं, जैसे कभी मनरेगा लाए थे तो यूएनओ में भी उसका जिक्र हुआ था, यूएस में भी उसकी तारीफ हुई थी, उसी तरह अब आउटरीच का जो हम प्रोग्राम लेके आए हैं तो इसके बारे में भी कहा जाएगा कि अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए जो आम जन बरसों बरस कहीं नहीं पहुँच पाता था, अब उसके लिए कांग्रेस वहाँ पहुँचेगी और समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेगी।
लोग अपनी समस्या लेकर आएंगे, इन बॉक्स के माध्यम से हम उन समस्याओं को प्राप्त करके संबंधित विभागों में जाएंगे, अधिकारियों से कांटेक्ट करेंगे, समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेंगे और आम जनता के लिए काम करेंगे। यही कांग्रेस की संस्कृति है और यही कांग्रेस की पहचान है। ये तो ऐसा लग रहा है नायक फिल्म में भी देखा था हमने, बॉक्स रख दिए थे वहाँ पर जो एक दिन के मुख्यमंत्री थे, समस्या डालें समाधान होगा, तो उसी तर्ज पर कोई फिल्मी स्क्रिप्ट तो नहीं तैयार हो रही है? कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं, ये धरातल पर है, वो वहाँ पर स्क्रीन पर थी, यहाँ पर धरातल पर है। ये बात सही है, आप कॉन्सेप्ट को कहीं से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ये राहुल जी का कॉन्सेप्ट है, इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। और ऑफ कोर्स जो अधिकारी काम नहीं करेंगे फिर उनके लिए आंदोलन भी होगा, उनके खिलाफ आंदोलन भी होगा, उन्हें जन समस्याओं का निस्तारण करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। ठीक है, कितने दिन में समस्याओं का समाधान करा देंगे? आपने पेटी का तो रख देंगे यहाँ पर, हम 8 दिन में ये पेटी खुलेगी। और आज ये हमारा 18वां जिला है, 17 जिले में ऑलरेडी रख चुके हैं और जितने भी सरकारी दफ्तर हैं सब दफ्तर के बाहर रखेंगे। आज डीएम कार्यालय से हमने आगाज किया है और आगे जितने भी सहारनपुर के अंदर सरकारी दफ्तर हैं सबके बाहर लगेंगे। जिसकी जो समस्या होगी उसके लिए कांग्रेस 24 घंटे खड़ी है और मजबूती से खड़ी है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इन पेटियों के जरिए जो भी शिकायत प्राप्त होगी उसका 8 दिन के अंदर अंदर निस्तारण कराया जाएगा और अगर उसमें कोई लापरवाही होती है तो उसके खिलाफ आंदोलन भी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज से जो न्याय इनका जो न्याय दिलाने का जो दूसरा प्रोग्राम शुरू हुआ है, जिसको न्याय की पेटी इसको बोला गया है, वो यहाँ पर रखवाई गई है इनकी तरफ से। और इसको अब सहारनपुर के जितने भी सरकारी दफ्तर हैं या फिर सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ पर इसको ये लोग लगाएंगे भी। तो कांग्रेस का जो न्याय पेटी अभियान आज से शुरू हुआ है उस पर हम सहारनपुर के ही लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे जो लोग कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं। कैसे देखते हैं इनके अभियान को, क्या सही रहेगा? पेटियाँ तो पहले भी DM दफ्तर पर रखी हुई थी, अब ये लोग भी रख रहे हैं, देखते हैं अपना प्रयास कर रहे हैं क्या कर पाएंगे। अच्छा, यह कुछ उम्मीद करने की? मैं न्याय व्यवस्था इतनी भ्रष्ट है, कुछ नहीं होता है। अच्छा, कि पहले भी इतनी लड़कियों के रेप हुए हैं, ठीक है, जिंदा जला दे गए हैं, मर्डर हो जाते हैं, कोई नहीं, फाइलें दब जाती हैं। अगर कोई इसमें नेता से जुड़ जाए तो मामला वहीं पेंडिंग है, कोई आम आदमी को पकड़ कर किसी ना किसी का चलान करके भेज देंगे। अच्छा, तो समस्याओं का समाधान करने की तो संकल्प ले रहे हैं, प्रयास है। अच्छा, प्रयास आगे चले कर सफलता मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन हमारे व्यवस्था इतनी शासन प्रशासन की नहीं है कि वो इसे आगे हो रहे हैं, सब मुद्दे दबा दिए जाते हैं। उम्मीद नहीं है आपको कुछ? एक भाई और भी हैं यहाँ पर प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आए थे, यहाँ पर उनसे बात करेंगे। क्या लगता है कि जो ये बॉक्स रख रहे हैं इनका कुछ फायदा देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फायदा ये होगा कुछ ना कुछ तो। अच्छा, हाँ जी। अच्छा भाई, पहले ऐसी पेटी तो पहले ही वहाँ पे DM दफ्तर के बाहर रखी, कोई शिकायत हो तो हमें बताइए, अब ये भी रख रहे हैं? ये रख रहे हैं अपनी, देखो क्या होता है, राजनीति तो नहीं है इसके पीछे कोई इनकी अपनी? नहीं, राजनीति कुछ नहीं है, ये तो लोगों का अपना समाधान करने का है इनका। ऐसा तो नहीं कि चमकाने में लगी हो कांग्रेस खुद को पब्लिक के बीच में जाने के लिए? वो तो देखो अपनी अपनी सब बात रखते हैं कहीं। दिल की बात बताओ ना, मैं बोल नहीं सकता, बात यह है बहुत दुर्लभ बात जाके। कोई बात नहीं, तो जाने चाहिए ना, आप तो जनता के आदमी हो ना, क्या दिक्कत है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है कि इसमें राजनीति हो रही है जनता जुड़ने के लिए क्या? देखो ऐसा है ना, सब सोचते हैं अपने पब्लिक हमारे साथ लग जा। अच्छा, चाहे BJP वाले हो चाहे कांग्रेस वाले हो। चलिए ठीक है, यहाँ पर और लोगों से भी यहाँ पर बात करेंगे और उनसे पूछेंगे, ये वो लोग हैं जो रोज़ाना DM दफ्तर पर किसी ना किसी समस्या को लेकर यहाँ पर आते हैं, जैसे आज अभियान शुरू हो रहा है तो उस पर बात करेंगे इनसे। ताऊ जी कोई एप्लीकेशन लेके आए थे क्या आप यहाँ? ना ना, मैं तो कुछ और काम नहीं। अच्छा, ये जो पेटियाँ रख रही है आज कांग्रेस यहाँ पे शिकायत वाली, तो क्या लगता है असर होगा देखने को इनका? कोई इनका क्या असर होगा? अच्छा, हाँ, मैं कौन पूछ रहा? अच्छा, कोई नहीं पूछ रहा ना, ना ना, ये तो कह रहे कि हम समस्या कोई है तो उसमें डाल लो पेटी में, हम समाधान कराएंगे। पहले भी करा देते समाधान। अच्छा, इनके जमाने में हुआ कभी समाधान? अच्छा है भाई, नहीं, समाधान तो समाधान करने वाला ही करेगा भाई। कौन करेगा समाधान? समाधान तो यही करेंगे BJP वाले जो कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, फैन लग रहे हो BJP के आपको? हैं नहीं, फैन नहीं लग रहे हैं, हम काम के फैन लग रहे हैं। अच्छा, ऐसा है, एक टाइम ऐसा था वो जो है नहीं लाइट देखने को नहीं मिली थी। अच्छा, ये BJP की देना लाइट जो है नहीं, अगर भूल में भी लग गया नहीं, और दिल्ली रोड पे ऐसा हाल था, दिल्ली रोड का पता नहीं लगता, अब नदी में गुजारे हैं, दिल्ली रोड पे गुजारे है नहीं बात ऐसी। और आज
क्यों जी बाबू जी, मैं गलत कर आ गया। अच्छा, जैसे पेटी लगा के क्या करना, साबित क्या करना चाह रहे हैं पेटी लगा? भगवान जाने क्या चाहे, इनकी ड्यूटी एक बात की, इनकी ड्यूटी एक बात की, जो भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसकी खिलाफत करनी। अच्छा। विपक्ष को विपक्ष में रहना। अच्छा। चाहे वो सही कर रहा है गलत कर रहा है तो गलत की बात तो गलत ही, लेकिन सही कर रहा है उसकी भी आलोचना करनी, विपक्ष की ड्यूटी यह है। नाम बता दीजिए। नाम मेरा नेत्रपाल सैनी, पूर्व प्रधान ग्राम मनोहरपुर, निकट ITI दिल्ली रोड सहारनपुर, मोबाइल नंबर 9692975762। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? हम तो कहीं बाहर के। कोई बात नहीं, ये जो पेटियां रखवा रहे हैं यहाँ पे, क्या लगता है असर होगा इसका कुछ? इसको क्या असर होगा? कुछ ना, कुछ नहीं असर होगा। हाँ, इनसे 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 करवाओ, कुछ असर होगा इन पेटियों का? कोई असर नहीं, हमें तो भरोसा ही नहीं किसी सरकार पे, सिर्फ भरोसा था सिर्फ बीजेपी सरकार पर और किसी पे नहीं। अरे कांग्रेस तो कह रही है हम न्याय दिलाएंगे 8 दिन के अंदर। न्याय नहीं कराया, 60 साल से न्याय नहीं दिलाया, आप क्या न्याय दिलाएगी? न्याय मिला है कांग्रेस? कांग्रेस के जमाने का जो कांग्रेस का जब शासन था, इतने लोग दुखी नहीं थे, वो हर तहर गरीब आदमी का निस्तारण के लिए तैयार रहता था। अच्छा। और रही बात 17-18 साल के बाद इमरान भाई वो यहाँ के सांसद बने हैं। अच्छा। अभी तो उनका शुरू ही नहीं हुआ टेलर, जब शुरू होगा तो लोगों की निजात दिलाएंगे, लोग हर समस्या का निजात उनके पास वो खड़े रहते हैं। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश को संभाल सकती है। अच्छा। तो बेरोजगारी को समाप्त कर सकती है, किसानों की समस्या का निराकरण कर सकती है। कांग्रेस ही ऐसी एक पार्टी है जो युवाओं को रोजगार दिला सकती है। जो आज दर दर भटक रहे हैं लोग सड़कों पर खड़े, रिक्शा थामे खड़े लोग, ग्रेजुएट शिक्षा का क्षेत्र में देख लीजिए कितनी बड़ी लूट बेचारी है। गरीब आदमी पढ़ा नहीं सकता अपने बच्चों को, और जगह जगह तराई मची हुई है, रेप ये तमाम क्राइम पर भी रोक लग पाई। गरीब आदमी कहाँ जा रहा है, जगह जगह भटक रहा। कांग्रेस तो का एक इतिहास रहा बहुत लंबे समय, कांग्रेस ने समय समय पर लोगों को रोजगार दिया। लेकिन जब अभी अंकल बिगड़ रहे थे तो क्या कोई अभी खड़े थे यहाँ पे कह रहे कोई असर नहीं होने का ऐसा अभियान? इससे कहने से कुछ नहीं होता, वो RSS के लोग हैं। अच्छा। उसी पार्टी के लोग हैं, उसी पार्टी के कार्यशैली के लोग हैं, उनकी मानसिकता इस तरह की है। चलिए, जो अभी यहाँ पर जो बुजुर्ग थे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के इस अभियान पर तंज जरूर कस रहे थे, लेकिन जब जो दूसरे जनाब यहाँ पर मिले साफ तौर पर कहीं ना कहीं उनको RSS का आदमी जो है वो बता रहे हैं। तमाम लोगों से हमने राय जानी है, ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं रोजाना DM दफ्तर पर अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, और आज जब कांग्रेस ने अपनी न्याय पेटिका जो यहाँ पर रखी है उस पर इनकी जो है प्रतिक्रिया जो क्या कुछ नहीं होगा वो आपने भी सुना है। TV9 UP के लिए सहारनपुर से विकास कर